फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पाइसेस, हर्ब्स, इनकी लिस्ट के बारे में जानेंगे। अक्सर मेरे दोस्तों को एक्सपोर्ट में कोई प्रोडक्ट क्या एक्सपोर्ट करें, प्रोडक्ट सेलेक्ट कैसे करें, इसकी बहुत दिक्कत होती है। बहुत सारे मसाले, स्पाइसेस या इस तरह के हर्ब्स जो है आपके आसपास में होते हैं, पर उन पर आपका कभी ध्यान ही नहीं जाता। इस लिस्ट के माध्यम से आपको हो सकता है तुरंत वह याद आ जाए और आपको एक्सपोर्ट अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में आसानी हो। दूसरा सबसे बड़ा फायदा इस वीडियो का ये होने वाला है, क्योंकि आजकल के टाइम में कोरोना की स्थिति को देखते हुए छोटे बच्चों को जो है स्कूल नहीं भेजा जा रहा, तो उनकी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और उनको स्पाइसेस वगैरह के नाम याद कराने, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इजिली इमेज के साथ में कौन से मसाले को क्या कहते हैं ये सब भी पता चलता चला जाएगा आपको, और आपको बहुत सुविधा होगी। लगभग 94 इसमें जो है प्रोडक्ट या स्पाइसेस या हर्ब्स जो है इसको इंक्लूड करके मैंने ये वीडियो बनाया। वीडियो काफी लंबा होगा। अगर आपको कभी भी भविष्य में इसकी जानकारी और ज्यादा लेनी है, या अभी वीडियो देखने के बाद आप इन चीजों के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट या ब्लॉग कह सकते हैं, उस पर भी विजिट कर सकते हैं। उस पर मैं काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखता रहता हूं, बिजनेस से रिलेटेड, एक्सपोर्ट कैसे करना है या डोमेस्टिक बिजनेस कैसे करना है, फाइनेंस के बारे में मैं उसमें लिखता रहता हूं। उसका जो लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप जाकर सारे आर्टिकल देखकर आपको जो आपके काम का लगे काफी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले स्पाइस के साथ। पहला स्पाइस है रॉक साल्ट, सेंधा नमक। दूसरा, फ्रेग्रेंट पेपर, सुगंधित काली मिर्च। तीसरा, इंडियन गूसबेरी, जिसे हम सूखा आंवला भी कहते हैं। चौथा, सांबर मसाला। सांबर मसाला सांबर मसाले के नाम से एक्सपोर्ट होता है और उसमें बहुत सारे जो है स्पाइसेस को अलग अलग को मिला के इसका नाम सांबर मसाला दिया जाता है। पांचवा, गम पैकेजनेट, गोंद कटीरा, इसे हम हिंदी में कहते हैं। छठा है इंडियन मैडर, मजीठ, जिसे हम हिंदी में मजीठ कहते हैं। सातवां है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को हिंदी में भी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कहते हैं। यह एक प्रकार से समझ लीजिए मिर्चों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो उसका एक रूप है। आठवां है येलो मस्टर्ड ऑयल, पीली सरसों का तेल। एक काली सरसों का तेल भी आता है, पर पीली सरसों का तेल थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी उसकी मानी जाती है, राजस्थान में इसकी खपत पैदावार जो है ज्यादा होती है। नौवां है क्यूब्ड पेपर, कबाब चीनी कहते हैं इसे हम हिंदी में। दसवां है वाइड सेसम सीड्स, इसे सफेद तिल जिसे हम कहते हैं, हिंदी में सफेद तिल होता है इसका अर्थ। ग्यारहवां है यीस्ट, खमीर, जिसे हम हिंदी में खमीर कहते हैं यीस्ट को। बारहवां है व्हाइट पेपर, सफेद मिर्च या दखनी मिर्च से हिंदी में कहा जाता है। तेरहवां है टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, इसको सूखी हल्दी का जो हल्दी के कई प्रकार के रूप होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं, तो उसका एक रूप है ये हल्दी पाउडर। चौदहवां है टी मसाला, चाय मसाला। पंद्रहवां है थाइम। सोलहवां है टी लीफ, चाय पत्ती। सत्रवा है टैमरिंड, जिसे हिंदी में इमली कहते हैं। अठारवा है पैरागॉन, नागदौना, जिसे हिंदी में नागदौना कहते हैं।
19वां है तंदूरी मसाला, इसे हिंदी में भी तंदूरी मसाला कहते हैं, तंदूरी मसाले के नाम से ही एक किस्म बना दी जाती है, मतलब कई सारे ये भी हर्ब इसको स्पाइसेस को मिला के बनाया जाता है। बीसवा है स्वरेटा चिराटा, इसे हिंदी में चिरायता कहते हैं। इक्कीसवा है स्टार एनाइस, चक्रफूल इसे हिंदी में कहते हैं। बाईसवा है स्क्रूपाइन एसेंस, केवड़ा जल इसे हिंदी में केवड़ा जल कहते हैं। तेईसवा है सेजवान पेपर या इंग्लिश में पेपर या सिचुआन पेपर इसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में सेजवान काली मिर्च इसे कहा जाता है। चौबीसवा है साल्ट, आप सबको पता होगा सबसे कॉमन चीज है घर में नमक जो होता है, इसे हिंदी में नमक कहते हैं। पच्चीसवा है सागो, साबुदाना, हिंदी में सागो को साबुदाना कहते हैं। छब्बीसवा नंबर है रोजमेरी, गुल मेहंदी। सत्ताईसवा है सैफ्रॉन स्ट्रैंड्स, इसे हिंदी में केसर और जाफरान, ये अलग अलग चीजें, केसर अलग जाफरान अलग, ये दो नामों से पुकारा जाता है। अट्ठाईसवा है रोज वाटर, गुलाब जल। उनतीसवा है रेड चिल्ली फ्लेक्स या क्रश्ड वॉलपेपर, मोटी लाल मिर्च जो होती है पिसी हुई, जो आपने देखा होगा अक्सर बीज वगैरह इकट्ठे करके अलग से मोटी मोटी लाल मिर्च होती है, वो अक्सर पिज्जा के मसाले के साथ में आपको दी जाती है। 30 नंबर पे है रेड चिली लाल मिर्च। 31 नंबर रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। 32 नंबर पर है पिज्जा सीजनिंग पाउडर, पिज्जा मसाला। 33वें नंबर पर है डाइकर अल्कनेट, इसे हिंदी में कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे रतनजोत, लालगढ़ी, दामिनी दाल छड़, ये इसके नाम है। 34 नंबर पर है पोपे सीड्स, इसे हिंदी में खसखस या पोस्त कहते हैं। 35वें नंबर पर है पोमीग्रेट सीड्स पाउडर, अनारदाना पाउडर जिसे हम कहते हैं। 36वें नंबर पर एक और आइटम आता है अपना पाव भाजी मसाला, इसे हिंदी में पाव भाजी मसाला कहते हैं, ये भी अलग अलग इंग्रीडियंट्स का मिश्रण होता है, ये इसी नाम से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं। 37वें नंबर पर है पैप्रिका, शिमला मिर्च जिसे हम कहते हैं। 38वें नंबर पर है ऑर्गेनो, अजवाइन के पत्ते, इसे हिंदी में अजवाइन के पत्ते कहते हैं। 39वें नंबर पर है ओनियन पाउडर, प्याज पाउडर जिसे हम कहते हैं। 40वें नंबर पर नाइजीरिया सीड्स, कलौंजी जिसे कहते हैं। 41वें नंबर पर नटमेग, जायफल, हिंदी में जायफल कहते हैं नटमेग को। 42वें नंबर पर है रामतिल या नाइजर जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में नाइजर, हिंदी में रामतिल। 43वें नंबर पर है मस्टर्ड सीड्स, इसे हिंदी में सरसों या राई भी कहते हैं। 44वें नंबर पर है लिकोराइस या लिकोराइस कह देते हैं, मुलेठी या जेठी मत हिंदी में इसके नाम है। 45वें नंबर पर है मिक्स हर्ब्स,
मिक्स हर्ब्स अलग अलग इंग्रीडियंट का मिक्सर नहीं होता है। इसी प्रकार 46 नंबर पर है मीट मसाला। मीट मसाला भी मीट मसाला ही कहा जाता है, अलग अलग इसको मिला के मसाले, इसको मीट मसाले का नाम देके एक्सपोर्ट किया जाता है। 47 नंबर पर है मैगी मसाला। मैगी मसाला भी सेम इसी तरीके से मैगी मसाला के नाम से एक्सपोर्ट होता है, पर मैगी मसाला आपको एक्सपोर्ट करने के लिए मैगी की परमिशन चाहिए क्योंकि रजिस्टर्ड है। 48 नंबर पर है जुनेपर बेरीज, जिसे हापुसा जामुन कहते हैं हिंदी में। 49वें नंबर पर है मेस या जावित्री हिंदी में कहा जाता है जिसे। 50वें नंबर पर है लॉन्ग पेपर, जो पिपली कह देते हैं इसको हिंदी में। 51वें नंबर पर किचन किंग मसाला, ये भी एक तरीके से जो है एक ब्रांड नेम में भी आता है और इसके लिए भी सेम मैगी मसाला का ही आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे। 52वें नंबर पर है गार्लिक, लहसुन हिंदी में कहते हैं लहसुन। 53वें नंबर पर है जिंजर पाउडर या ग्राउंड जिंजर, इसे अदरक पाउडर कहते हैं। 54वें नंबर पर है फ्रैकेंसिंस या गोंद, लासा, लोहबान, ये दो तीन नामों से बुलाया जाता है, कहा जाता है इसे। 55वें नंबर पर है गार्लिक पाउडर, लहसुन का पेस्ट, लहसुन पाउडर जिसे हम कहते हैं। 56वें नंबर पर है गाशी या गुल्ली या गुप्ता, इंग्लिश में दो एक नाम से बुलाते हैं। मालाबार इमली, जिसे हम हिंदी में मालाबार इमली कहते हैं। 57वें नंबर पर गरम मसाला, गरम मसाला भी अलग अलग मसालों का मिश्रण होता है, इसे गरम मसाला के नाम से एक्सपोर्ट किया जाता है। 58वें नंबर पर है गालनट या माजू फल हिंदी में कहा जाता है। 59वें नंबर पर है फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज, हिंदी में अलसी के बीज कहते हैं इसको। 60वें नंबर पर है फेनल सीड्स, सौफ, यानी कि हिंदी में सौफ कहते हैं इसको। 61वें नंबर पर है ड्राई पोमेग्रेनेट सीड्स, अनार दाने के बीज। 62वें नंबर पर है ड्राई मिंट, सूखा पुदीना। 63वें नंबर पर है ड्राई मैंगो पाउडर, अक्सर आपने अमचूर खटाई ये सुना होगा, अमचूर पाउडर या खटाई, ड्राई मैंगो जिंजर, ड्राई मैंगो पाउडर कहते हैं सॉरी इसको इंग्लिश में। 64वें नंबर पर है ड्राई फेनुग्रीक लीव्स, सूखी मेथी पत्तियां या कसूरी मेथी। 65वें नंबर पर है ड्राई जिंजर, सौंठ, इसे हिंदी में सौंठ कहते हैं ड्राई जिंजर को। 66वें नंबर पर है ड्राई कोकोनट, सूखा नारियल। 67वें नंबर पर है दाबेली मसाला, दाबेली मसाले को हिंदी में भी दाबेली मसाला ही बोलते हैं, ये भी अलग अलग मसाले का मिश्रण होता है। में नंबर पर है करी लीव्स, करी पत्ता, आपने सुना होगा करी पत्ता बहुत इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ पे रसोई घर में। 69वें नंबर पर है क्यूमिन सीड्स, जीरा, जीरे की भी बहुत सारी किस्में होती है जो मैं अभी आपको मेन मेन नाम बता रहा हूं, जैसे काला जीरा, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग भी इनके होते हैं, आप इनको देख लीजिए, मैं बेसिक बेसिक इनके मेन नाम बता रहा हूं। जैसे नमक में भी बहुत सारे होते हैं, काला नमक, सादा नमक, इस तरह की बहुत सारी चीजें आती है उसमें। 70वां है कोरिएंडर सीड्स, धनिया के बीज। इसी प्रकार जैसा भी मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया, 71वां नंबर है कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर। 72वां नंबर पर है क्लोव, लौंग, यानी कि। 73वां नंबर पर सिट्रिक एसिड, लेमन साल्ट, लेमन साल्ट या टाटरी बहुत से कह देते हैं। तो हाँ, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे गुलाब जल, केवड़ा जल, इस तरह ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ये भी बहुत एक्सपोर्ट होता है। 74वां नंबर पर है क्लेमा इकोस्का, यानी कि डॉग मस्टर्ड या वाइल्ड मस्टर्ड, इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में आप जंगली सरसों इसको कहा जाता है। 75वां नंबर पर है सिनेमन स्टिक्स, दालचीनी।
छिहत्तरवे नंबर पर है सिलारीसाइट अमजोद नमक, ये भी एक नमक का प्रकार आ गया ना एक। सतहत्तरवे नंबर पर चिकन मसाला, जैसा मीट मसाला इस तरह के मसाले होते हैं, चिकन मसाला भी चिकन मसाला के नाम से ही होता है, अलग अलग इसमें थोड़े मसाले ऊपर नीचे कर दिए जाते हैं तो वो मसाले का अलग रूप बन जाता है। अठहत्तरवे नंबर पर चाट मसाला, जैसे चिकन मसाला मीट मसाला इनको पता है, ऐसे चाट मसाला भी चाट मसाला के नाम से एक्सपोर्ट होता है। उनासीवे नंबर पर है कार्डमम लार्ज, इलायची बड़ी, इलायची के बहुत सारे रूप आते हैं, काली इलायची, छोटी इलायची, हरी इलायची, इस तरीके से कार्डमम लार्ज, इलायची बड़ी जो होती है उसको कार्डमम लार्ज कहते हैं। कैरम सीड्स, अस्सीवा नंबर है कैरम सीड्स, अजवाइन। इक्यासीवा नंबर है कैरावे सीड्स या ब्लैक क्यूमिन, ये आगे ना देखिए काला जीरा इसको कहते हैं। बयासीवे नंबर पर है कार्डमम स्मॉल, इलायची छोटी जो मैंने अभी पहले बताया था, हरी इलायची भी कह देते हैं इसको। तिरासीवे नंबर पर है ब्लैक सीसम सीड्स, काला तिल के बीज। चौरासीवे नंबर पर ब्लैक पेपर, काली मिर्च। दोस्तों इसमें बहुत सारी चीजें, काली मिर्च जो है आपका, हल्दी, इलायची, ये हमारा देश मसालों का एक्सपोर्ट में नंबर वन पे ही रहता है, इसी चक्कर में हम गुलाम भी हो गए थे, क्योंकि मसालों की क्वालिटी और जो है हमारे यहाँ पे अनाज और जो कपड़ों के जो कच्चा मटेरियल होता है उसमें हम अव्वल हैं, तो हमारे यहाँ से मसाले इसलिए बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। तो आप इनमें से कोई सी भी लिस्ट देखते आपको बहुत आसानी रहेगी। 85वें नंबर पर है ब्लैक साल्ट, काला नमक। 86वें नंबर पर है बासिल सीड्स, तुलसी के बीज। 87वें नंबर पर है ब्लैक मस्टर्ड ऑयल, काली सरसों का तेल, पीली सरसों का तेल बताया था ना मैंने, ऐसे काली सरसों का तेल देता। 88वें नंबर पर है बेलीफ, तेज पत्ता। 89वें नंबर पर है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट इसको हिंदी में कहते हैं। 90वें नंबर पर है बासिल लीव्स, तुलसी के पत्ते, तुलसी के बीज अलग चीज है, तुलसी के पत्ते अलग चीज है, दोनों ही एक्सपोर्ट होते हैं। 91वें नंबर पर है बेकिंग पाउडर। 92वें नंबर पर है अरारोट पाउडर, हिंदी में भी इसे अरारोट पाउडर भी कहते हैं। 93वें नंबर पर है एलम, फिटकरी। और सबसे लास्ट का है, मैंने इसको कैटेगरी में ये 94वें नंबर पर आता है, सबसे लास्ट में है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्सपोर्ट कम होता है। अजीनोमोटो, मोनोसोडियम ग्लूकामेट या हिंदी में अजीनोमोटो, आपने अक्सर इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में काफी विवाद भी सुना होगा, तो इसके एक्सपोर्ट करने से पहले आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है कि किसी कंट्री में ये बैन तो नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ ब्लॉग के पोस्ट अवश्य पढ़ें, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और आने वाले अभी दो तीन चार वीडियो मैंने बनाए हैं, उसमें एक आपको जीएसटी की कैलकुलेशन वगैरह वाला बताया था, वो चीजें पता होनी चाहिए। अब अगले वीडियो में मैं आपको एलसी के बैंकिंग के बारे में जो है, बहुत लोगों को बैंक गारंटी में और एलसी में क्या अंतर होता है, इन चीजों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, एग्जाम्पल के द्वारा बनाऊंगा, बहुत अच्छी लगेंगी आपको, बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगी, बहुत जल्दी वीडियो आ जाएंगी। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।